अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पैसे आ गए। इतना हाई प्रोफाइल के अल्लाह तुबा तुबा तुबा। अरे इधर आ भाई जुबैर खान ने 2 नींद की गोली खाई थी, जिसके लिए बेहोश करके भी बॉडीगार्ड लोग ने उसको उठा के लेके आए। कल बिग बॉस में लोनावला में जाके कितने पैसे गिरे भाई, हमने भी मुंबई देखे बाबा लाला। पैसे गिर गए माना। एजाज तू सही बोलता था माना, तेरे को पब्लिक यूज कर रही है भाई। सही बात है भाई, पैसे गिर गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे को कल बुलाया जा रहा था, सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं कोर्ट में बैठा हूँ। कोर्ट छोड़ के मेरे को बोलते पुलिस स्टेशन में जाओ। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूना में कंप्लेंट जुबैर खान ने किया, कोई हेल्थ केयर फाउंडेशन ने नहीं की। 20 दिन से खाली खेला जा रहा है। मीडिया से मैं बात करूँ, मीडिया से मैं। डॉक्टर कामत ने कितने पैसे गिराए, कलर वालों ने कितने पैसे गिराए, सच्ची बोलना अल्लाह की कसम है। एक रात में 2 गोली हो गई। कलर वालों ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बोले, सलमान खान ने झूठ क्यों बोला कि जुबैर खान की तबीयत खराब है सिर्फ थोड़ी देर के बाद, और फिर ये होता है कि सलमान खान नेशनल टेलीविजन पे फिर बोलते हैं कि जुबैर खान की अभी तबीयत ठीक है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और क्या ये वाकई में बहुत, ये केस जो है ना बहुत कैसा जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ये आगे चल के हम सब देखेंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ को मीडिया भी देखेंगी और शबनम बाबा आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कीप वॉचिंग। ये कोई मीडिया के चक्कर नहीं है, जुबैर खान को कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं है, कोई छिछोर बंदे की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ जिसने एक छोटी सी फिल्म बनाया लकीर का फकीर, जो पब्लिक ने भाई आप लोग ने लकीर का फकीर देखे कि नहीं देखे, देखे ना। देखो ये पब्लिक है और अचानक बीच में से जंग छोड़ के कौन गया ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, और क्यों गया ये शायद समझदार लोग समझ रहे होंगे। तो कीप वॉचिंग, अभी तो शुरू हुआ है बाबा, अभी तो कोर्ट कचहरी